राहुल के रेप इन इंडिया वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है। राहुल के रेप इन इंडिया वाले बयान की शिकायत करेगी बीजेपी। बड़ी खबर, इस वक्त की चुनाव आयोग से शिकायत करेगी भारतीय जनता पार्टी। सरोज पांडे और स्मृति ईरानी करेंगे शिकायत। तो लगातार राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार मुख्तलिफ मुद्दों को छोड़ना चाहती है, मुद्दों से भटकाना चाहती है आम जनता को, लेकिन उनके शब्द जो निकले हैं वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया नहीं, रेप इन इंडिया बन रहा है भारत। और उसके बाद लोकसभा राज्यसभा दोनों में अच्छा खासा हो हल्ला हुआ और दोनों सदनों को स्थगित तक करना पड़ गया अनिश्चितकालीन, यानी कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब बीजेपी का यह कहना है कि वो इस मसले को लेकर चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत करेगी। एक संसद सदस्य के तौर पर वो अपनी मर्यादाओं को नहीं भूल सकते, इस तरह का बयान नहीं दे सकते। तो सरोज पांडे और स्मृति ईरानी करेंगी शिकायत। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लगातार इस पूरे मसले पर गर्मा गर्मी बनी हुई है। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं होता। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उदाहरण लिया जब उन्होंने देश नहीं बल्कि दिल्ली में चुनावों के दौरान, चुनावी प्रचार के दौरान यह कहा था कि दिल्ली रेप कैपिटल बनती जा रही है। उसी का हवाला लेते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ऐसा कह सकते हैं। राहुल ने कहा कि रेप इन इंडिया नहीं बल्कि मेक इन इंडिया नहीं बल्कि देश रेप इन इंडिया बन रहा है। और उसको लेकर खासतौर पर जो महिला सांसद हैं उन्होंने कड़े तेवर इख्तियार कर लिए हैं और अच्छे खासे सवाल जवाब भी हुए। मीडिया ने जब पूछा कि वो अपने बयान को वापस लेंगे तो उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि वो अपने बयान को वापस नहीं लेंगे। और उसके बाद बड़ी खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत करने पहुंचने वाली है।